जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौज मैथ अकेडमी में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो, बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे हैं बार बार कि सर एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो पोस्टपोन हो गई, तो क्या अब एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है क्या 2021 में नहीं होगी, क्या 2022 में ये वैकेंसी होगी, क्या इसका एग्जाम आप सभी को पता अगस्त महीने में था, अगस्त की कौन सी डेट थी, 2 अगस्त से 20 अगस्त के आसपास इसका जो एग्जाम था, क्या वो एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ वैकेंसी के साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ओनली नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुई है या पूरी की पूरी एसएससी जीडी ही पोस्टपोन हो गई है। साथ ही यहाँ पर बच्चों की जो एज है, कई बच्चों की जो एज है वो भी ओवर एज हो रहे हैं, तो उनका क्या होगा? ठीक है, जो बच्चे ओवर एज है उनका क्या हो रहा है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनका तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो ओवर एज हो रहे हैं उनको क्या होगा, इसको लेकर काफी बच्चे मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जो एसएससी जीडी की जो भर्ती पोस्टपोन हुई है, जो भर्ती पोस्टपोन हुई है, तो क्या इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया पोस्टपोन हो गई? नहीं दोस्तों, सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है कि 2022 में ये भर्ती होगी, नहीं, ये 2021 की वैकेंसी है। अभी मंथ चल रहा है मई, कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है मई, तो मई के महीने से आप मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 2 माह तक लॉकडाउन की स्थिति ऐसी रह सकती है जैसी अभी है। 2 महीने भी ऐसी स्थिति रहना बहुत मुश्किल है, अगर 2 महीने तक ऐसी स्थिति रहती है तो बहुत सारी जनता भूखे ही मर जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति 2 महीने तक भी नहीं रहेगी, तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा अगर मानो तो 2 महीने, यानी मई से ये भर्ती कहां तक जा सकती है, जून और जुलाई तक, कहां तक जा सकती है, जुलाई तक जा सकती है। ठीक है, ये हद मार के बता रहा हूं मैं, वैसे तो जून में भी नोटिफिकेशन आ सकती है लेकिन जुलाई तक जा सकती है अगर 2 महीने भी अगर लॉकडाउन रहता है। तो अगर जुलाई से वैकेंसी जाती है तो 3 महीने आगे चला, जून जुलाई से अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यानी अक्टूबर के मंथ तक आपके एग्जाम होने पॉसिबल है, तो यानी 2022 में ये वैकेंसी नहीं जाएगी, वैकेंसी पोस्टपोन नहीं हुई है, सिर्फ इसकी नोटिफिकेशन पोस्टपोन हुई है, और वो भी केवल और केवल किस रीजन से, लॉकडाउन के रीजन से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, एसएससी की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस वैकेंसी में। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन ने पहले क्लियर कर दिया था, जब उनकी नोटिफिकेशन 25 मार्च को नहीं आई थी तो उन्होंने मई का फर्स्ट वीक पहले ही ले लिया था नोटिफिकेशन के लिए, और जब वो ऐसा कर देते हैं तो इसका मतलब है कि वो फाइनली नोटिफिकेशन देते हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने डेट लियो और फिर नहीं दिया हो दोबारा, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो अब जो बच्चों की जिनकी ओवर एज हो रही है वो भी काफी मैसेज करेंगे, सर हम ओवर एज हो जाएंगे हमारा क्या होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये 25 मार्च को ये वैकेंसी आने वाली थी, कब, 25 मार्च। तो अब 25 मार्च के बाद में जो भी बच्चे ओवर एज हो रहे हैं इनको एज में 101%, 100% आपके पास, मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ, 100% इनको एज में छूट मिलेगी, और आपकी जो नोटिफिकेशन की डेट रहेगी 25 मार्च से ऊपर नहीं रहेगी एज काउंटिंग, गारंटी है। ठीक है, 25 मार्च से ऊपर नहीं रहेंगे, जो ऊपर दिन निकल रहे हैं ये एज में छूट रहेगा, तो एज की काउंटिंग होगी ना कि अगर आप 24 साल हो गए, जितने ये दिन जा रहे हैं ना ये प्लस में ही होंगे। अब आपके लिए ये नहीं कि 25 मार्च ही डेट रख दी जाएगी उसके 23 साल की, नहीं रखी जाएगी, उतने दिन प्लस होगी, उतने दिन आपको एज में छूट दी जाएगी। ठीक है, एज में 100%। साथ में वैसे वैकेंसी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, 1 ईयर डिले चल रही है, तो इसके लिए भी जो 2018 वाला बैच है उन्होंने काफी संघर्ष किया था कि उनकी ये वैकेंसी में एज कम से कम एज का भी रिलेशन मिल जाए इनको। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के भी कहीं ना कहीं मन में है कि पिछली वैकेंसी काफी डिले हो गई है, तो इस वैकेंसी में एज के लिए भी छूट दी जा सकती है, अगर कम से कम मान लो ये मान के चलिए एज में मार्च के बाद में जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं उनको तो 1% भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, कितना प्रतिशत, 1% भी, क्योंकि जितने दिन अब ये डिले चल रही है ना मार्च के बाद में, इतने दिन का एज रिलेशन तो पक्का मान के चलिए। ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब बची बात 1 ईयर की, कि 1 ईयर या 2 ईयर का एज रिलेशन मिल सकता है, तो मिल सकता है, सभी उम्मीद लगाए हैं एसएससी से, क्योंकि पिछली जो वैकेंसी थी उसके बाद में 30 साल, 3 साल कंप्लीट हो गए, उससे ज्यादा ही समय जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही वैकेंसी 1 साल डिले है, तो इसलिए हो सकता है कि एज में छूट दी जाए, लेकिन इसके बाद में जो ओवर एज हो रहे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनको पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो कोई टेंशन लेना नहीं है, वैकेंसी 2021 में ही कंप्लीट होगी, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कंप्लीट होगी, एग्जाम हो जाएगा आपका 2021 में, वैकेंसी तो ये 2 से 3 साल तक चलती है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।